फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि जो अब 399 का रिचार्ज है वो -136 पे रिचार्ज कर सकते हैं, जिसका कि मतलब ये नहीं कि आपको 136 रुपए पे करने पड़ेंगे, बल्कि आपको 136 रुपए एक्स्ट्रा अकाउंट में मिल जाएगा। 399 का आप रिचार्ज भी कर लोगे और 136 रुपए आपके अकाउंट में भी आ जाएगा। इस वजह से मैंने माइनस का सिंबल दिया है। बहुत सारे लोग ये ना समझ ले कि 136 रुपए पे करने हैं। तो फ्रेंड, जो ये जो ऑफर है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके फोन में सेकेंड स्पेस का ऑप्शन है। ये पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है कि जिनके फोन में सेकेंड स्पेस का ऑप्शन हो वही इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं विद प्रूफ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको कि करना क्या क्या है और कैसे आप कर सकते हो। और फ्रेंड, एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए। जब मैं ये वीडियो बना रहा था, मतलब कि R&D कर रहा था, तो मुझे एक और नया चीज निकल के आया है, जिससे कि मैंने एक नया एप्लीकेशन में टोटल 1200 रुपए अर्न की है। जी हाँ फ्रेंड, 1200, वो भी एक दिन में। तो फ्रेंड, मैं उस वीडियो को बना के बहुत खुश हूंगा कि आप लोगों को मैं बता पाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं अभी ये वीडियो बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप। और ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस टाइप का इम्पोर्टेंट वीडियो ही लाता हूँ जो कि बिना R&D किए हुए नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मोबाइल पे आ गया हूँ। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है st:help। तो फ्रेंड, कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। फ्रेंड, सबसे ऊपर में आपको शो हो रहा है st:helping.com, इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो सबसे ऊपर में शो हो रहा है जियो लूट रिचार्ज 399 ओनली इन -136, इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड, क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो कि जो प्रोसेस में है, जो फर्स्ट प्रोसेस है, गो टू सेकेंड स्पेस। फ्रेंड, सेकेंड स्पेस का मतलब होता है कि एक ही मोबाइल में जब आप सेकेंड स्पेस में एंटर करोगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि रेडमी में आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड, यहाँ पे सेटिंग में जाना है। फ्रेंड, आप देख सकते हो सेकेंड स्पेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। देन फ्रेंड, यहाँ पे गो टू सेकेंड स्पेस का ऑप्शन इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर रखा हूँ। राइट साइड सबसे ऊपर यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं जितनी बार डिलीट करूँगा हर बार नया ओपन होगा, जो कि हर बार अगर आप उसको यूज़ करोगे, जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करोगे, उसको इस बात का पता नहीं चल पाएगा कि ये नया मोबाइल है या पुराना मोबाइल है, क्योंकि हर बार एंड्रॉयड ID चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन को पता नहीं चल पाता। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे बताता हूँ, आप समझ गए होंगे कि सेकेंड स्पेस क्या है। तो फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहला ऑप्शन है यूज़ दिस एप्लीकेशन, डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है, देन कंप्लीट साइनअप प्रोसेस कर लेना है, देन ऑफर्स में जाना है, कोई एक छोटा सा जो भी आपको ऑप्शन शो होंगे उसको कंप्लीट कर लेना है, एक कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल, देन जो जो उसमें दिया हुआ होगा रजिस्टर करने का, तो रजिस्टर करके कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर से फ्रेंड ऑफर्स में दोबारा से जाना है और उसमें चूज करना है कि पेपल कहाँ पे शो हो रहा है। तो फ्रेंड, आपको इस टाइप का शो हो दिखेगा, देन उस पर करना क्या है, क्लिक ऑन स्टार्ट दिस ऑफर नाउ। तो फ्रेंड, जैसे ही करोगे क्लिक, तो आपको साइनअप प्रोसेस के लिए एक पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको साइनअप प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप साइनअप प्रोसेस कंप्लीट करोगे, उसमें कोई भी मोबाइल नंबर डाल देना, क्योंकि उसको वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, कि आपको जो वर्चुअल कार्ड जो सपोर्ट कर रहा है आज की डेट में, वो कहाँ से मिलेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे 7th ऑप्शन में आपको शो हो रहा है यूज़ दिस ऐप फॉर अनलिमिटेड वर्चुअल कार्ड। तो फ्रेंड, 7वें नंबर पे क्लिक करने से पहले फ्रेंड, यहाँ पे नीचे प्रोमो कोड है, इसको प्रेस एंड होल्ड करोगे, देन कॉपी कर लोगे, देन 7th पे क्लिक करोगे।
तो मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कैसे करना है। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेरा एप्लीकेशन ओपन हो गया है क्योंकि मैं ऑल प्रोसेस कंप्लीट कर रखा हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको साइन अप कंप्लीट करना होगा। आफ्टर दैट इस तरह का पेज आपको शो होगा, जस्ट लाइक ऐसा ही इंटरफेस शो होगा। तो फ्रेंड यहाँ सबसे नीचे कार्ड्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी कार्ड को क्रिएट कर रखा हूँ। इस एक कार्ड को आप दो बार यूज कर सकते हो दो अलग अलग एप्लीकेशन के साथ, मैं बता देता हूँ। और फ्रेंड एक और बात मैं बताना चाहूँगा, अब आप सोचो कि अनलिमिटेड कैसे मिलेगा, तो अनलिमिटेड के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक कार्ड। जैसे ही इस कार्ड को ब्लॉक करोगे और दोबारा से क्रिएट करोगे तो हालांकि ₹10 चार्ज लगेंगे, बट आपको दोबारा से वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा। और फिर से जी हाँ फ्रेंड, दोबारा से आप पेपैल का दो अकाउंट फिर से बना सकते हो। तो इस तरह करके आप अनलिमिटेड कर सकते हो जितने आपका दिल करे। तो फ्रेंड मैं आगे बताता हूँ उसके बाद क्या करना है। तो जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को कि जब मैं इसको चेक कर रहा था तो एक मुझे ऐसा एप्लीकेशन मिला है जिसमें मैंने एक दिन में ₹1200 अर्न किया है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ और उसी के थ्रू रिचार्ज करना है। तो फ्रेंड जैसा कि आपका 8 ऑप्शन कंप्लीट हो गया, 9th में वर्चुअल कार्ड भी मैंने क्रिएट करके बता दिया। देन 10th में ऑप्शन है कि अगर आपके पास जिंगुआ एप्लीकेशन है तो कोई बात नहीं, जिंगुआ का यूज़ कर लो। अब आप सोच रहे होगे कि जिंगुआ एप्लीकेशन में एक एरर आता है कि एक अगर आप मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रखे हो तो एक ही आईडी के साथ, दैट मीन एक अकाउंट में एक ही पेपल अकाउंट यूज कर सकते हो। तो उसका सॉल्यूशन मैं ये बता देता हूँ कि उसको करना क्या है। जैसे ही आप जिंगुआ एप्लीकेशन ओपन करते हो, जो फर्स्ट टाइम आपने पेपल, जी हाँ फ्रेंड पेपल आईडी यूज किया था जिस ईमेल का, ठीक उसी को आप अपना पेपल अकाउंट ओपन करोगे और उसको क्या करना है, उसको क्लोज कर देना है। दैट मीन उससे क्या होगा, आपका जो पेपल अकाउंट है क्लोज कर देना और सेम ईमेल आईडी के साथ, जी हाँ फ्रेंड सेम ईमेल आईडी के साथ, और क्रिएट कर लेना है दूसरा। अब क्या होगा, आपको दोबारा से कैशबैक मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये हुआ। अब 12th ऑप्शन में आप देख लो, फॉर रिचार्ज यू दिस स्पेशल एप्लीकेशन। फ्रेंड मैंने स्पेशल एप्लीकेशन इसलिए नाम दिया है क्योंकि मैं आपको दूसरा वीडियो जो बताऊंगा उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि इसके साथ ओनली इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अनलिमिटेड अर्निंग कैसे कर सकते हो। तो हालांकि मैं बता देता हूँ इसको भी साइन अप में, तो 12th पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे 13 में ऑप्शन है टेक 210, इसको कॉपी पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे क्लिक करना है, फ्रेंड मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो ये निकी एप्लीकेशन है जिसमें अभी भी अवेलेबल है पेपल 50% कैशबैक। तो फ्रेंड जिनको रिचार्ज नहीं करना है वो पेपल का यूज यहाँ पे ना करें, यहाँ पे सिर्फ आप जो फ्री में पैसा मिलता है जस्ट उसी का यूज़ करें। मैं पहले बता देता हूँ फ्रेंड, मैं आपको ओपन करके एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। फ्रेंड आप देख सकते हो क्रेडिट जो शो हो रहा है यहाँ पे 1200, ये आज का आज मैंने किया है और मुझे भी नहीं पता था कि इस एप्लीकेशन को अगर ऐसा करने से इतना मिलेगा। तो फ्रेंड इसका मैं फुल वीडियो आप लोगों को बताऊंगा कि ₹1200 आप कैसे अर्न कर सकते हो, 1200 या उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। तो फ्रेंड इसका आप रिचार्ज इसी के थ्रू करना, जो कि बहुत सारे फ्रेंड को पता होगा रिचार्ज कैसे करना है। अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो फ्रेंड आप देख सकते हो 15 यानी कि 15वें में ऑप्शन में है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू रिचार्ज देन क्लिक हियर। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे एक छोटा सा वीडियो स्टार्ट हो जाएगा जिसमें ऑल प्रोसेस दिया हुआ है कि उसके थ्रू रिचार्ज कंप्लीट कैसे करना है। और फ्रेंड 16 ऑप्शन में इम्पोर्टेंट है कि आपने जो जिंगवाय में जो परचेज किया होगा उसको सेल कैसे करना है, तो इसमें मैं अपडेट करते रहता हूँ। सो प्लीज़ इस टेलीग्राम चैनल को क्लिक करके ज़रूर ज्वाइन कर ले। और फ्रेंड कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे कमेंट करना है, तो कमेंट करने के लिए सबसे नीचे ऑप्शन हो रहा है व्यू वेब वर्जन, इस पर एक बार क्लिक करना है। आफ्टर दैट ऑप्शन में जाके यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे टिक कर देना है, उसके बाद क्या होगा कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड
मैं इस वीडियो को बताते बताने के साथ साथ ये बहुत खुश हूँ कि मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो देने जा रहा हूँ उसमें आपको टोटल 1200, जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने एक दिन में अर्निंग कर लिया 1200 इसी तरह करके। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आपके पास रेडमी का फ़ोन होना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक रेडमी नहीं है, दो तीन और कंपनी है जो सेकेंड स्पेस प्रोवाइड करती है। आप अपने मोबाइल का मॉडल, जी हाँ फ्रेंड्स, सपोज आपको समझ में ना आए तो आप अपने मोबाइल का मॉडल यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस बात का ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे कमेंट करना है ताकि आपको उसी समय रिप्लाई मिल जाएगा। मैं एक बार बता देता हूँ कैसे कमेंट करना है। यहाँ पे व्यू वे वर्जन पे क्लिक करना है, देन यहाँ ऑप्शन में जाके डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है। अब जब मैं नीचे आऊँगा तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो एंटर योर कमेंट का ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पे कमेंट टाइप करके पब्लिश कर देना है। तो फ्रेंड आप यहाँ पे मोबाइल मॉडल नंबर ज़रूर सेंड करना ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ कि आपके फ़ोन में ऑप्शन है या नहीं है, एट ए टाइम बता दूँ, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को बताने के साथ साथ आपको पहले ही बता चुका, दूसरे वीडियो के लिए मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा इतना झंझट नहीं है और आप बहुत अच्छा अर्न कर पाओगे। तो फ्रेंड ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।